पश्चिम बंगाल की सियासत और दिलचस्प होती जा रही है। कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया कि वो नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। मतलब ममता बनर्जी बागी हो चुके शुभेंदु अधिकारी के गढ़ से चुनाव लड़ने जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया कि अगर उन्होंने ममता बनर्जी को नहीं हराया तो सियासत से संन्यास ले लेंगे। अब सवाल यह कि ममता बनर्जी के इस मास्टर स्ट्रोक के आगे की सियासी कहानी क्या है। करीब डेढ़ दशक पहले जिस नंदीग्राम और सिंगूर के आंदोलनों की बदौलत ममता बनर्जी को बंगाल की कमान मिली थी, अब उसी नंदीग्राम के जरिए बीजेपी से निपटने के लिए ममता ने आर पार का ऐलान कर दिया है। 2016 में शुभेंदु ने टीएमसी के टिकट पर नंदीग्राम की सीट जीती थी। अब ममता बनर्जी ने वहीं से चुनाव लड़ने की घोषणा कर सबसे बड़ा दांव चल दिया है। उनकी अमी जो नंदीग्राम में दाड़ाई कैमन हो ভাবছিলাম কথার কথা একটু বললাম একটু ইচ্ছে হলো একটু গ্রামীণ জায়গা একটু আমার মনের জায়গা একটু আমার ভালোবাসার জায়গা ভবানীপুর আমার বড় বোন আর নন্দীগ্রাম আমার মেজ বোন আমি দুটো কনস্টিটিউয়েন্সি থেকেই পারলে এবার দাঁড়াবো তার কারণ নন্দীগ্রামে থেকেই আমি আন্দোলনটা করব। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में अपना सबसे बड़ा सियासी दांव चला तो दक्षिण कोलकाता से शुभेंदु अधिकारी ने भी हुंकार भरी, कह दिया कि अगर उनकी पार्टी ने उन्हें नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का मौका दिया तो वो ममता को 50,000 वोटों से हरा देंगे और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो राजनीति छोड़ देंगे। আপনারা লিখে রাখুন, হাফ লাখ ভোটে যদি মাননীয়কে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। আপনি লিখে রাখুন। ये कल की तस्वीर है जब शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम में ममता बनर्जी थी और ममता बनर्जी के गढ़ दक्षिण कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी रोड शो कर रहे थे। आज भी कुछ ऐसी ही भीड़ नजर आने वाली है, लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा कि आज दोनों अपने अपने गढ़ में होंगे। ममता बनर्जी पुरुलिया में रैली करेंगी तो शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में। बंगाल में बीजेपी की चुनावी सभा साजिश और रंजिशों का अड्डा बनता जा रहा है। कल कोलकाता में एक बार फिर से टीएमसी वालों ने हमला बोल दिया। शुभेंदु अधिकारी के रोड शो में पत्थरबाजी हुई। देखिए एक दूसरे की तरफ से बोतलें और पत्थर चल रहे हैं। यहाँ देखिए पत्थर फेंक के मारा गया है और इस वक्त ये दक्षिण कोलकाता के टॉलीगंज इलाके की है। कार्यकर्ताओं में भयंकर गुस्सा है और यहाँ की स्थिति देखिए, यहाँ कार्यकर्ता आमने सामने हैं और भगदड़ मच गई है। कार्यकर्ता टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरफ बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ लोग उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये टकराव यहाँ दक्षिण कोलकाता में हो रहा है जहाँ बीजेपी की रैली है। अगर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और ये बीजेपी के मार्च को करने की कोशिश हो सकती है। यहाँ फिलहाल पथराव हुआ है और बीजेपी के नेता यहाँ स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक शुभेंदु और ममता बनर्जी के बीच आमने सामने वाली लड़ाई नहीं थी, लेकिन ममता के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद तपिश और बढ़ गई है। शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने के बाद नंदीग्राम से बड़ी संख्या में लोग तृणमूल छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। टीएमसी में भगदड़ जैसी स्थिति है, लेकिन उसके बावजूद ममता के इस ऐलान ने सबको चौंका दिया है। सवाल है आखिर ममता बनर्जी नंदीग्राम पर पकड़ क्यों बनाकर रखना चाहती है? क्या डेढ़ दशक पहले की तरह इस बार भी नंदीग्राम से ही नवन्ना तक पहुंचने का रास्ता निकलेगा? बंगाल में बीजेपी ने 2019 लोकसभा चुनाव में 22 सीट जीती थी और अगर इसे विधानसभा में बांटा जाए तो 121 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी। दक्षिण बंगाल में करीब 80 विधानसभा सीटें हैं और वहां हर सीट पर टीएमसी को लोकसभा चुनाव में बड़ी बढ़त हासिल हुई थी।